नमस्कार, मैं बीना सिंह और आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। बिहार में 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के भर्ती की तैयारी चल रही है। जी हां, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया, ऐसा शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है। क्या है पूरी जानकारी, ये हम आपको बताते हैं। बिहार में 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के भर्ती की तैयारी है, इसको लेकर सरकार की ओर से प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बात की जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुद दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि सरकार पटना हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट से मंजूरी के बाद ही शुरू होगी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दावा किया है कि हाईकोर्ट के दखल के बाद शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रोक दी गई है। हालांकि संकट को हल करने और नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं। पिछले साल योग्य उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी का विज्ञापन दिया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। हालांकि दिव्यांगों के लिए आरक्षण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोर्ट के हस्तक्षेप के मद्देनजर आरक्षण नियमों पर सख्ती से पालन करने का फैसला किया है। मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जैसे ही इसकी सुनवाई होती है और अदालत का आदेश आता है, सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देगी। इसके साथ ही CBSE 12वीं में एवरेज मार्किंग की जगह परीक्षा हो, ऐसा विजय चौधरी ने कहा है। जी हां, एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच देश भर में CBSE की 10वीं और 12वीं के इम्तिहान पर संशय बना हुआ है। बोर्ड वगैरह परीक्षा लिए एवरेज मार्किंग के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में एवरेज मार्किंग को सही नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं कराने के पक्ष में हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं होनी चाहिए, 10th और 12th में एवरेज मार्किंग और प्रमोट कर देने की बात बहुत हद तक सही उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे लंबे समय तक बच्चों के लिए प्रासंगिक रहते हैं। कोरोना पर कुछ और नियंत्रण हो जाए तो परीक्षा हो।